नमस्कार साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि हम बॉर्डर पटारिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर होगा बट कोई बात नहीं, बोल दूंगा तो आप समझ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल फास्ट। तो लाइट ट्रेवल फास्ट कहाँ करती है, इनमें से बताना है मुझे चार। तो इसका आंसर होगा एयर, ये आंसर होगा यहाँ पर एयर। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले उठाते हैं एयर के बारे में। एयर की अगर बात करें, यहाँ पे समझाता हूँ, अगर एयर की बात करें, एयर के अंदर कंपोजिशन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। उसके बाद आता है जी आपका ऑक्सीजन O2, वो कितना होता है, 21%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जी अदर गैसेस आपकी कितनी होती है, 0.17%। ठीक है, फिर आपका आर्गन, आर्गन होता है आपका, ये होता है आपका 0.90%। CO2 आपका होता है 0.03%। ये कंपोजिशन होती है एयर की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाटर की। ठीक है, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के बारे में कुछ चीज़ें आप याद रखोगे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करूँ, तो डेंसिटी आप याद रखोगे, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉयल बात करते हैं, क्वेश्चन आता है ऑयल। ठीक है, ऑयल फ्लोट ओवर वाटर क्यों फ्लोट करता है, बिकॉज ऑयल हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। सिंपल सा आपको याद रखना, ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑयल की डेंसिटी जो होती है कम होती है किससे, वाटर से। इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है इसके ऊपर। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं पेपर की। पेपर की इन्वेंशन कहाँ पे हुई, याद रखना, सबसे पहले पेपर की इन्वेंशन हुई थी चाइना। चाइना की कैपिटल एज यू नो बीजिंग। करेंसी दो है इसकी, एक युआन है। एक युआन है और एक है रेनमिनबी। दो करेंसी है चाइना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स आर नॉट टच्ड बाय सी। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी कोस्टल स्टेट कौन कौन सी हैं। तो चलो मैप के जरिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, यह है हमारा भारत, प्यारा भारत। अगर ये ऐसे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, गुजरात। यहाँ पर पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और यहाँ से छोटू सा गोवा। और यहाँ पर आपका ये पड़ता है कर्नाटका। और यहाँ पर आपका ये पूरा पर क्या पड़ता है, केरला। और यहाँ पर आपका ये पड़ता है तमिलनाडु। यहाँ पर आपका पड़ता है ये आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपका पड़ता है ये उड़ीसा। और यहाँ पर आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल। तो देख लो कौन कौन सी स्टेट्स आपकी, ये सारी की सारी कोस्टल स्टेट्स। अब कौन सी नहीं है इसमें से, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तो तेलंगाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा तेलंगाना। तो चलिए बात करते हैं तेलंगाना स्टेट कब बनी, ये बनी 2 जून 2014। रीऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्ट है, जिसके कौन से आर्टिकल के तहत, तो वो आर्टिकल था 3, जिससे हमारा इसी आर्टिकल के तहत क्या बनाया है, हमारा आर्टिकल 3 के तहत, इसी आर्टिकल के तहत हमारा क्या हुआ है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, 370 जो हटाई गई है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, व्हाट इज आर्टिकल 3 सर, आर्टिकल 3 यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आर्टिकल 3 के बारे में,
आर्टिकल थ्री क्या बोलता है? आर्टिकल थ्री बोलता है कि आप बाइफ्रिकेशन कर सकते हो, बाइफ्रिकेशन, ठीक है, यानी कोई स्टेट है उसको आप बाइफ्री कर करते यूटी भी बना सकते हो, एक यूटी भी बना सकते हो, स्टेट भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, दो यूटी भी बना सकते हो, कुछ है, ठीक है, दो यूटी एक स्टेट भी बना सकते हो, ठीक है, दो स्टेट एक यूटी भी बना सकते हो, जैसे इसकी एग्जांपल है आपकी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तो क्या किया, दो स्टेट बनाई, एक यूटी बनाई, तो जे एंड के में क्या किया, दो यूटी बना दी, ठीक है, लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यह आपका आर्टिकल थ्री, याद रखना, ये कौन से में आता है, पार्ट फर्स्ट में आता है, और पार्ट फर्स्ट कहाँ से लेके कहाँ तक है, एक से लेके चार तक। तो ये था तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ये था आपका तेलंगाना। उसके बाद बात करते हैं आपके कर्नाटका की, ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटका। तो आओ यहाँ पर, तो कर्नाटका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, के आर टी, कर्नाटका। देखो कर्नाटका के बारे में बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का, यहाँ पर हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, उंचीकल फॉल, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात कर्नाटका के बारे में क्या है, पहला, और एक उंचीकल फॉल कौन सी रिवर पर है, याद रखना, ये रिवर है आपकी, नाम है वराही रिवर, कौन सी रिवर है, वराही रिवर। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कर्नाटका में आपका कर्नाटका बेंगलुरु इसकी कैपिटल, बेंगलुरु में आपका किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का। इसरो कब बनी, 15 अगस्त 1969 को। फिर तीसरी बात कर्नाटका के बारे में, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्नाटका के डांस फॉर्म में बड़ी बड़ी पेपर में पूछा जाता है, दैट इज यक्षगन, इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म है ये, क्या है, डांस फॉर्म यक्षगन, ठीक है, पूछा जाता है। और कर्नाटका के बारे में और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक पार्क है, बांडीपुर नेशनल पार्क, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कर्नाटका। तो चलिए अगला ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उड़ीसा के बारे में अगर मैं बताऊं, उड़ीसा के बारे में, चलो यहाँ बात करते हैं उड़ीसा के, उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम मिस्टर नवीन पटनायक काफी देर से सीएम है, ठीक है। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, याद रखोगे, उस उड़ीसा में आपका पुरी टेंपल है, उड़ीसा में आपका पुरी टेंपल है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उड़ीसा में आपका कोणार्क सन टेंपल है, सन टेंपल है, ये आपको इंडियन रुपी के नोट पे भी मिल जाएगा, कोणार्क सन टेंपल है। और उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक चिल्का लेक है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी उड़ीसा के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका महाराष्ट्र, तो यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, ये रहा आपका महाराष्ट्र मैप में। तो यहाँ बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की सिटी है मुंबई, मोस्ट पॉपुलेशियस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका एक चीज पड़ती है अप्सरा, ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर यहां पर था, ठीक है। महाराष्ट्र का डांस फॉर्म जिसे हम बोलते हैं लावणी, यहीं का है, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र में एक लेक पड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोनार लेक, ये हमारी मीटियोरिटिक लेक है, मीटियोरिटिक लेक है, याद रखोगे, इसे कंफ्यूज मत करना, एक लेक और है लोकटक लेक, लोकटक लेक, ये आपकी पड़ती है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क पे। ये केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग
नेशनल पार्क है। इसी कारण लोकटक लेक हमेशा पूछी जाती है। अब ये लोकटक लेक कहां पर पड़ी? ये पड़ी आपकी मणिपुर। कहां पर पड़ी? मणिपुर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकटक लेक, लोनार लेक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में अक्सर पूछता है एग्जाम में। सबकी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो चलो बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम, सीधे से मैं आपको बात करता हूँ, इन्होंने पूछा हुआ है कि ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, हमारे दादा हो गए, दादी जी हो गए, उनको आपने देखा होगा आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उनको दिखना कम शुरू हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? तो उसका आंसर है कैटरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मोतिया, मोतिया। ठीक है, अब एक कैटरेक्ट, पहली बात तो ये ओल्ड एज पीपल में होता है, ठीक है। कैटरेक्ट कहाँ पे इफेक्ट करता है? कॉर्निया में इफेक्ट करता है, ठीक है। ओजी ठीक कैसे होता है? कैटरेक्ट आपका ठीक होता है सर्जरी से, ठीक होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अब देखो, आओ यहां पर पहले बात करते हैं मायोपिया की, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया में बेसिकली होता क्या है, याद रखना, दिखता क्या है हमें? नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की चीजें दिखती हैं, बट जो डिस्टेंट यानी कि दूर की चीजें होती हैं वो हमें नहीं दिखती, वो हमें नहीं दिखती, ठीक है। और ये मायोपिया ठीक कैसे होता है? कौन से लेंस से? कनकेव लेंस से ठीक होता है। बात रही आपकी कनकेव लेंस, ये हमारी कार की हेडलाइट में जो यूज होता है वो कनकेव लेंस होता है, शेव में यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कनकेव लेंस होता है। खत्म, मायोपिया खत्म। तो चलते हैं, अब अगला क्या था? मायोपिया हो गया, उसके बाद अगला था आपका हाइपरमेट्रोपिया। यहां पे आ जाओ, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? सी, हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हम देख सकते हैं, बट जो नियर बाय होते हैं वो हम नहीं देख सकते। ठीक कैसे होता है? ये कन्वेक्स लेंस। ये भी कार का जो रियर मिरर होता है, जिसे हम पीछे देखते हैं, वहां पर क्या यूज होता है आपका? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, उसके बाद आपका रहता है जी, चलो उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन में है प्रेसबायोपिया। व्हाट इज प्रेसबायोपिया? प्रेसबायोपिया में ना तो हमें नियर का दिखता है और ना ही हमें डिस्टेंट का दिखता, ठीक है। और ये यूज, और ये ठीक कैसे होता है? ठीक होता है बायफोकल लेंस से, ठीक है। प्रेसबायोपिया भी हो गया, बस एक रहता है और, एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म, व्हाट इज एस्टिगमेटिज्म? एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है? कैनॉट सी, हमें क्या नहीं दिखता? ना हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है और ना ही हमें वर्टिकल लाइंस दिखती है, ना हॉरिजॉन्टल दिखती है ना वर्टिकल दिखती है। और ये ठीक कैसे होता है एस्टिगमेटिज्म? ये होता है सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होता है। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी प्रॉब्लम आने लगी। मायोपिया बता दिया मैंने, हाइपरमेट्रोपिया बता दिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया सारा एक्सप्लेन करती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन एथलीट हैज नेवर वन ओलंपिक मेडल, ठीक है। तो अगर ओलंपिक की बात करें, ओलंपिया की बात करें, तो फर्स्ट ओलंपिया कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका एथेंस में। एथेंस कहाँ पड़ा जी? ग्रीस में। कहाँ पड़ा? ग्रीस में, ठीक है, ये याद रखोगे। रिसेंट अभी कहाँ हुआ है? टोक्यो में। दीपा करमारकर किसको नहीं मिला है, ठीक है, तो वो है दीपा करमारकर को अभी ओलंपिक मेडल नहीं मिला है। ये है जिमनास्ट, मिला क्या एक्चुअली, ये फोर्थ नंबर पर आए थे, ठीक है, जिमनास्ट है, मिलते मिलते ना रह गया। मैरी कॉम बॉक्सर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जुड़ी हुई है वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से। खत्म बात, बस हमें स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन आया आपको पता होना चाहिए कौन सा बंदा किससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी वर्ल्ड गेम्स चल रही है, उन्होंने वहां पर गोल्ड लिया हुआ, ठीक है, हो गया ये, चलो
द रूल ऑफ क्लर्जी, पहले आपको पता होना चाहिए क्लर्जी का मीनिंग क्या होता है। क्लर्जी का मीनिंग होता है प्रीस्ट, ये जो मतलब हो गए पुजारी हो गए, ठीक है, कोई भी मंदिर में मस्जिद में कोई भी अगर कोई जो पूजा करते हैं जा जैसे कोई करते हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए, उन्हें हम बोलते हैं प्रीस्ट बोलते हैं। क्लर्जी को हम क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। तो चलिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट, जैसे हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं, खत्म बात, ये तो आएगा नहीं। एरिस्टोक्रेसी, व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? यहाँ पर रूल करते हैं कुछ स्मॉल बंच ऑफ पीपल, स्मॉल प्रिविलेज पीपल, कुछ लोग यहाँ पर जो कुछ रूलिंग क्लास लीड क्लास जो है रूल करती है, एरिस्टोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या होती है? ये होता है जी रूल बाय द प्रीस्ट, रूल बाय द प्रीस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? थियोक्रेसी। मोनार्की, एज यू नो व्हाट इज मोनार्की, कौन रूल करता है? मोनार्की रूल बाय द किंग और क्यों, मोनार्की रूल बाय द किंग और क्यों। तो चलिए सॉर्ट आउट, चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द स्टेट डज नॉट एवर रूल्ड बाय वुमेन चीफ मिनिस्टर? देखो वुमेन से क्वेश्चन आता ही आता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे हम कब मनाते हैं याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हम मनाते हैं 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च। हमारी फर्स्ट वुमेन गवर्नर किसी भी स्टेट की, वो कौन सी? सरोजनी नायडू। और फर्स्ट सीएम, वुमेन सीएम, वुमेन सीएम कौन थे? सुचित्रा कृपलानी। अरे कहाँ की थी? ये थी यूपी की। ये आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट पता चल गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा को कभी वुमेन चीफ मिनिस्टर ने रूल नहीं किया हुआ, ठीक है। गुजरात के बारे में आपको बड़ी बारी बता चुका हूँ, गुजरात के बारे में, ये गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिख रही है वो है बिहार, बिहार में बड़ा कुछ बताने। तो आ जाओ यहाँ पे बिहार, यहाँ पे आ जाओ बिहार, बिहार की कैपिटल पटना, सीएम मिस्टर नीतीश कुमार, प्रेजेंटेशन। बिहार, बिहार को बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म बड़ा था पहले बिहार में, ठीक है। बिहार पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, एक तो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बनाई थी कुमार गुप्ता ने, कुमार गुप्ता फर्स्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है धर्मपालन, धर्मपालन याद रखना। और अगर मैं बिहार की बात करूं, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल चार हुए हैं, फटाफट देख लो। फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ हुआ, कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। कहाँ पर हुआ? ये आपका हुआ जी, ये आपका हुआ राज गृह। किसने कराया? अजात शत्रु ने कराया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कब हुआ? 383 बीसी में। किसने कराया? ये कराया आपका काला सोका ने, ठीक है। और कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका अजात शत्रु, सॉरी यहाँ पर चलो, ये आपका हुआ वैशाली में, सीक्वेंस में ही लिखते हैं। किसने करवाया? काला सोका ने कराया, किसने कराया? काला सोका, ठीक है। उसके बाद थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ 250 बीसी में, और ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र को आज की डेट में क्या बोलते हैं? पटना, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले बिहार की कितनी इंपॉर्टेंस थी, तो पटना। उसके बाद किसने करवाया? ये कराया आपका अशोका ने, द ग्रेट अशोका। अशोका का आगे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में मैं अशोका का सारा कुछ बता दूंगा। फिर लास्ट फोर्थ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 72 एडी में हुआ। किसने करवाया? ठीक है, ये कराया कनिष्क ने, कनिष्का ने। और ये कहाँ कराया? कुंडल वन में कराया, कुंडल वन को आज की डेट में क्या बोलते हैं? कश्मीर, ठीक है। कनिष्का का क्वेश्चन जेके पी एस आई में आया था कि गांधर स्कूल ऑफ आर्ट,
गांधर स्कूल ऑफ आर्ट इसके टाइम पे फेमस हुआ था, तो वो दैट इज कनिष्का। कनिष्का का ही एक कैलेंडर है साका कैलेंडर, साका जिसे हम क्या करते हैं फॉलो करते हैं, याद रखना कनिष्का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया आपके बिहार के बारे में। ठीक है, और बिहार के बारे में क्या है जी, हाँ 2011 की सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस देश स्टेट की है, घनत्व तो वो है बिहार, इसका है बिहार। तो चलिए ये था आपका किसका बिहार के बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट हो सका। इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो भी एक्सप्रेस, तो इसका आंसर होगा वोल्ट एम्पेयर। क्या आंसर होगा? वोल्ट एम्पेयर। अब मैं आपको बताता हूँ वोल्ट एम्पेयर क्यों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर किसके बराबर होता है? वी इंटू आई। वट इज वी? दैट इज डिनोटेड बाय वोल्ट। वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। वट इज आई? आई मीन्स करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से, और करंट को किससे? आई से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को सॉरी वी से, और वी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। और आई का ऐसा यूनिट क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। क्या होता है? एम्पेयर। तो इसीलिए देखो क्या बन गया, वोल्ट एंड एम्पेयर। तो आंसर क्या होगा? वोल्ट एम्पेयर। एम्पेयर का आपको बता चुका हूं मैं। एक दो दो तीन चीजें हैं और नोट कर लो। ठीक है, वो क्या है वो देखो, एक बात और याद रखना कि 1 हॉर्स पावर एचपी, ये पेपर में आता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 10^3 वाट। 1 मेगा वाट किसके बराबर होता है? 10^6 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि 1 किलो वाट आवर ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 × 10^6 जूल। और याद रखना किलोवाट आवर, ये जो किलोवाट आवर है ये यूनिट है एनर्जी का। एनर्जी कहां पर? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो कहां पर यूज होती है, जो आपके हाउस घरों पर यूज होती है, किलोवाट आवर। इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको इसके लिए याद रखनी है। ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद एम्पेयर हो गया, ठीक है, सारा हो गया, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर। अगर आपसे ऐसे पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? क्या होता है? वाट। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग। चलिए उसके बाद बात करते हैं जी आपका, ह्यूमंस हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, मेंडलीव लॉ के मुताबिक मेल ऑफ स्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स। क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल अगर पूछे कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं जी 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ देखने लायक है, इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी लोटेड बाय होम, तो सबको पता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना ये 3 मेंबर की बॉडी होती है। कितने मेंबर की? 3 मेंबर की। इनमें से एक जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरा और तीसरे नंबर पे जो होता है वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो क्या होते हैं? एज ए सबॉर्डिनेट्स इनके, इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन के लिए जहां पर इलेक्शन दिखेगा उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है, इलेक्शन इनके लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 324, इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखें। ठीक है, और देश के फर्स्ट फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट है अभी आपके राजीव कुमार, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दैट इज राजीव कुमार। तो ये हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात, इसके लिए आर्टिकल है 324। चलिए बात करते हैं आपके, एक दो बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर के बारे में। अक्सर क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट, इनकी रिटायरमेंट एज क्या क्या है,
या तो ये होनी चाहिए 65 ईयर्स के, और इनका टेन्योर कितना होना चाहिए, 6 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, या तो 65 ईयर इनकी एज हो जाए या फिर इनका 6 साल का टेन्योर हो गया, जो भी एक दिन हो गया तो वो समझ लो कि वो क्या हो गया, उसके बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पे क्वेश्चन आता है इनका। उसके बाद बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों कब बना, ये बना, सॉरी, ये बना आपका 1993 में, याद रखना। और ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया, ठीक है, ये याद रखोगे ह्यूमन राइट डे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है यूके में, यूके कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। तो हमारे देश के फर्स्ट सीजीआई कौन थे, तो वो थे HJ कानिया, ठीक है। अगर मैं HJ कानिया थे, इस समय प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट है आपके जी मिस्टर NV रमन्ना, मिस्टर NV रमन्ना। उसके बाद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज, कितनी एज में रिटायर होते हैं, तो ये होते हैं 65 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं आपके, याद रखोगे। अब एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो प्रेसिडेंट, देखो ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को, और यह सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई, और सीजीआई को ओथ कौन दिलाता है, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। सीजीआई को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। सीजीआई अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, बट प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आप याद रखोगे, ठीक है, चलिए। और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर। चलो एज का कंसेप्ट में आपका दूर कर ही देता हूँ। एज देखो, इंडिया में अगर आपको वोट करना है तो कितनी एज चाहिए, 18 साल, 21 साल किसके लिए चाहिए, पंचायत की इलेक्शन लड़नी है, 25 साल किसकी एज चाहिए, MLA की या फिर MP की इलेक्शन लड़नी है, 30 साल किसके लिए चाहिए, MLC या राज्यसभा, और 35 साल किसके लिए चाहिए, या तो आपको गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। तो ये सारी की सारी क्या है, मिनिमम एज, मिनिमम एज इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये थे आपका प्रेसिडेंट एक्सप्लेन हो गया, चीफ जस्टिस एक्सप्लेन हो गया, और हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए 64 हो गया। फिर बात करते हैं 65, चिरनोबायल न्यूक्लियर पावर प्लांट, चिरनोबायल न्यूक्लियर प्लांट, ये यूक्रेन में है, ये कहाँ पर है, यूक्रेन में। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, ये बड़ा रेयर क्वेश्चन था, फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की इस पे, तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली होता क्या, बेसिकली है क्या, 65 क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड में जितने भी मैन मेड डिजास्टर हुए हैं, मैन मेड डिजास्टर, वर्ल्ड में जितने भी मैन मेड डिजास्टर हुए हैं वो कितने हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, ये हुई आपकी 1984 में, ठीक है। और यहाँ से जो गैस लीक हुई है, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ी घटना हुई है, और ये कंपनी कौन सी थी यहाँ पे भोपाल गैस स्टडी जब हुई थी, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया। सेकंड आपकी हुई है जी चिरनोबायल न्यूक्लियर प्लांट,
ये कहां पर पड़ा? ये पड़ा आपका यूक्रेन में। ये कहां पर पड़ा? यूक्रेन में पड़ा, ठीक है। और थर्ड थर्ड हुई है आपकी 3 माइल्स न्यूक्लियर डिजास्टर, और ये कहां पर हुआ है जी? ये हुआ था 1979 में, और ये कहां पर हुआ है? यूएसए में। जिन वाय न्यूक्लियर प्लांट में डिजास्टर हुआ था, ये हुआ था 1986 में, ये याद रखना। और लास्ट अभी जो थोड़ा सा रिसेंट ही है, फुकुशिमा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, और ये कब हुआ? ये हुआ आपका 2011 में। और ये कहां पर पड़ा? ये पड़ा आपका फुकुशिमा जापान। कहां पर पड़ा? जापान। तो सारा मुद्दा ही खत्म। आज के बाद आपको यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फट से जवाब दे दो, ठीक है। यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कीव। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल है आपकी अस्ताने, अस्ताने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा इसमें से टैक्सी सर्विस नहीं है? तो सीधी सी बात है, मिंत्रा। मिंत्रा क्या है आपकी? वो है वेबसाइट है, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है। तो चलिए हमारे लिए करने लायक क्वेश्चन है 68। प्रेजिडेंट रूल ने स्टेट इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच एमरजेंसी? तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 324, पहले बता चुका हूं मैं। इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन के साथ डील करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका कौन सा है जी, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, तो ये डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज आर्टिकल 356। देखो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक है आर्टिकल 352, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 दैट इज स्टेट इमरजेंसी, स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। फिर लास्ट पे 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीन आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो नेशनल इमरजेंसी हमारी 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 एंड 1975, याद रख। और आर्टिकल 211 मुझे याद आ रहा है, ये डील करता है एमएलए के साथ, लेजिस्लेचर के साथ कुछ डील करता है इंपॉर्टेंट। वैसे प्रेसिडेंट के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मैक्सिमम हर बार बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस समय द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? देखो सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का मतलब यहां पर होता है डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंट, वायलेंट वे में कोई बात को नहीं रखना, नॉन वायलेंट तरीके से, शांति से, पीसफुली, ठीक है। सत्याग्रह, सत्याग्रह से के साथ मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, यहाँ पर एक वर्ड है स्वराज, स्वराज। देखो एक सेशन हुआ था आईएनसी का 1906 में, ठीक है, 1906 में एक सेशन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? आईएनसी का सेशन हुआ था 1906 में, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में, और इस सेशन के हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस सेशन में किस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल हुआ था? स्वराज वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, याद रख। और स्वराज वर्ड का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, खुद रूल करना, और इंडिपेंडेंस, 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 ठीक है, समझ आ गया। तो ये था स्वराज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अगला आपका एफई, सिंपल क्वेश्चन है। एफई किसका सिंबल है? आयरन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एफई आयरन, अब आयरन की ओर कौन कौन सी होती है? ओर, आयरन की ओर कौन कौन सी होती है? आयरन की ओर होती है आपकी हेमाटाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी होती है जी मैग्नेटाइट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी होती है लिमोनाइट, ठीक है। फिर आपकी होती है साइड्राइट। ओर का पेपर, ओर का क्वेश्चन पेपर में आता है ये। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट, अबंडेंट मेटल, अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट
मेटल। एल्यूमिनियम का सिंबल एल, और एल्यूमिनियम के ओर कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम के ओर आपके होते हैं जी बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट है, उसके बाद कोरंडम, कोरंडम इसका दूसरा ओर है, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं कॉपर, कॉपर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। कॉपर का सिंबल सी यू, याद रखोगे, सिल्वर का सिंबल ए जी, कॉपर और सिल्वर का मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो कॉपर प्लस, कॉपर प्लस जिंक मिलेंगे तो क्या बनेगा? ब्रास, याद रखना। कॉपर प्लस टिन मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज, क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक मिलेगा तो क्या बनेगा? गन मेटल। फिर एक होता है आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, याद रखना, इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो आपसे पूछा भी हुआ है, ये वाला आगे पूछा हुआ आपसे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके सिल्वर की, सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का सिंबल Ag, ठीक है, Ag। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सिल्वर में, SSC पूछता है बड़े बड़े, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ काम आता है? ये काम आता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी की जो रील्स होती है ना वहां पर काम आता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड आपका काम आता है आर्टिफिशियल रेन करने, आर्टिफिशियल रेन करने, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आयरन का मुझे एक और याद आ रहा है, आयरन का एक चीज होती है दैट इज आयरन पायराइट, पायराइट, आयरन पायराइट को हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड। आपने देखा होगा एक गोल्ड सा लोगों ने डाली होती है चेन, बट गोल्ड होता नहीं है, गोल्ड की तरह दिखता है, आपको पता होगा, मैंने देखा होगा, नकली गोल्ड, नकली गोल्ड हम बोलते हैं आयरन पायराइट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए बात करते हैं अब रिडॉक्स रिएक्शन की, व्हाट इज रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एडिशन, और रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात। रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल गया होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट हिलाना अपनी जगह से। तो क्या होता है? जब भी कोई एटम और सेट ऑफ एटम, एटम और सेट ऑफ एटम डिस्प्लेस्ड, यानी कि हटाते हैं किसको? डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब एज यू नो जोड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? टू आर मोर सबस्टांस कंबाइन होते हैं, सबस्टांस कंबाइन होते हैं, टू आर मोर सबस्टांस कंबाइन होते हैं, तो हमें क्या देते हैं? सिंगल सबस्टांस देते हैं, क्या देते हैं? सिंगल सबस्टांस, सिंपल इनफ। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दो कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म सिंगल न्यू कंपाउंड, एज सिंपल एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज नॉट इन जम्मू कश्मीर। तो अब इसके बारे में मैं आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है, नीलगिरी के बारे में, शिवालिक के बारे में, और पीर पंजाल के बारे में। तो कुटा हिल्स, ये पड़ता है आपका रियासी वाली साइड, रियासी डिस्ट्रिक्ट वाली साइड, और इसी हिल पर क्या है? इसी हिल पर है श्री माता वैष्णो देवी जी का स्थान, उनका यहाँ पर क्या है? टेम्पल। और जहाँ पर ये पड़ता है उनको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी हिल्स पे पड़ता है? त्रिकुटा हिल्स पे, इस पे पड़ता है त्रिकुटा हिल्स, पीर पंजाल, ठीक है। चलो मैं आपको ना एक पीर पंजाल भी है, शिवालिक भी है, मैं आपको वही दे देता हूँ, ओवरव्यू ही दे देता हूँ हिमालयास का पूरा। देखो हिमालयास पढ़ा चुका हूँ मैं लेक्चर, आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में है हिमालयास। हिमालयास पहले होते हैं ट्रांस हिमालयास, याद रखोगे,
फिर होते हैं जी आपके ग्रेट हिमालयाज, याद रखोगे। फिर आप रखोगे एक होते हैं मिडल हिमालयाज, ये भी याद रखोगे। और लास्ट में आते हैं आपके शिवालिक, क्या आते हैं? शिवालिक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय में कौन सी चोटी पड़ती है? ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में एक रेंज पड़ती है काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम रेंज भी यहां पर पड़ती है। और ट्रांस हिमालय में ही क्या पड़ती है? यहां पर पड़ती है ट्रांस हिमालय में ही हमारी केटू, दैट इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक। तो ये आप याद रखोगे, काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय में पड़ता है, और उसके बाद ट्रांस हिमालय में क्या पड़ता है? केटू पड़ता है। जब बात करते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, और ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। ठीक है, और ग्रेट हिमालय में ही क्या पड़ता है? यहाँ पर कौन सी रेंज पड़ती है? यहाँ पर पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या पड़ता है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पहला। और दूसरा कंचनजंगा। ऐसे तो बहुत सारी चोटियां पड़ती है, बस मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और आपका कंचनजंगा यहां पर पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं आप, ये आपका मिडल हिमालयास, मिडल हिमालयास यहां पर, मिडल हिमालयास यहां पर आपका पड़ता है पीर पंजाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और पीर पंजाल क्या है? इसका लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है, आ गया पीर पंजाल का क्वेश्चन, आया हुआ आपको लॉन्गेस्ट रेंज है पीर पंजाल, जम्मू श्रीनगर हाईवे बनिहाल पास, ये किसके अंदर आते हैं? पीर पंजाल के अंदर आते हैं जी आपके। फिर आपका गुलमर्ग पढ़ाया हुआ है मैंने, पीर पंजाल के रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखोगे। उसके बाद बात करते हैं जी आपका, बात करते हैं आपका शिवालिक। शिवालिक एज यू नो आउटर हिमालयास बोलते हैं हम, जहां पर हम रहते हैं। शिवालिक में आपका कौन सा पड़ता है? देहरादून शिवालिक का पार्ट है, नेपाल आपका किसका पार्ट है? शिवालिक का पार्ट। ऑल इन ऑल ये किसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, पूरा का पूरा आपको हिमालय के बारे में समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कौन सी रेंज कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए पीर पंजाल एक्सप्लेन, शिवालिक एक्सप्लेन, उसके बाद नीलगिरी, क्वेश्चन का आंसर भी यही है नीलगिरी। तो चलो आ जाओ अब यहाँ पर नीलगिरी, ये मैप है यहाँ पर ऐसे, ये पड़ता है आपका जी, ये आपका पड़ता है यहाँ पर ये। ठीक है, ये पड़ता है केरला। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका केरला, यहाँ पर पड़ता है कर्नाटका KRT, और यहाँ पर पड़ता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स कहीं यहाँ पर पड़ते हैं, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका यहाँ पर क्या पड़ता है? नीलगिरी हिल, इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है? नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स है क्या क्या, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीलगिरी हिल्स इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वही पॉइंट है यहां पर वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट क्या होते हैं? ईस्टर्न घाट क्या होते हैं? मीट होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दैट इज डोडा बेटा, डोडा बेटवा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी किसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? नीलगिरी हिल्स। तो यहां पड़ता है नीलगिरी, ट्राई जंक्शन केरला का, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, ठीक है, मीट करते हैं, हाईएस्ट पीक से क्या है? डोडा बेटा। तो आप देख लो यहाँ पर कहाँ पर जे एंड के ऊपर है, तो नीलगिरी इसका ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना रखते हैं आज। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो बाकी जो बचा है कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म करने की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।